नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं स्मृति। अजमेर शरीफ दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की गई है, जिसे राजस्थान की एक अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दरगाह समिति को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। आइए जानते हैं क्या है दरगाह का ऐतिहासिक विवाद। याचिका में यह दावा किया गया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दरअसल एक शिव मंदिर है। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता इसे काशी और मथुरा विवाद से जोड़ते हुए एक मंदिर होने का दावा किया है। हालांकि दरगाह की गद्दी मशीन सैयद सरवर चिश्ती ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का षड्यंत्र बताया है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। AIMIM प्रमुख अशुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और RSS पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह नफरत फैलाने की राजनीति का हिस्सा है। ओवैसी ने बताया कि दरगाह 800 वर्ष से वहीं है और सभी प्रधानमंत्रियों ने वहाँ चादर भेजी है, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। उन्होंने इसे पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ बताते हुए अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर भिजाते हैं। हमारे पड़ोस में जो दो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दरगाह नहीं है, कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो उसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने ये? आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहस से प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अदालत के सर्वे आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इसे बेबुनियाद आरोप बताते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश है। इस मामले पर दरगाह समिति का क्या रुख है, आइए जानते हैं। अखिल भारतीय सूफी सज्जादानसीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसुद्दीन चिश्ती ने बताया कि इस मामले में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वह दरगाह के वंशज है। उन्होंने कानूनी टीम से चर्चा कर उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस मामले से क्या पड़ेगा सामाजिक और राजनीतिक असर, आइए जानते हैं। यह मामला धार्मिक भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गर्माया हुआ है। दरगाह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए विवाद ने संवेदनशीलता बढ़ा दी है। सभी पक्ष इस मामले को कानूनी और संवैधानिक तरीकों से हल करने की उम्मीद कर रहे हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जब सभी पक्ष अदालत के नोटिस पर अपना जवाब पेश करेंगे। इस मामले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बने रहिए 10 न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।